जा रहा था घर, तो अचानक से एक पेरेंट आए थे, वो कह रहे थे कि हमें ब्लड की बहुत ज़रूरत है, नीड है। NBID हॉस्पिटल में इनके पास गया था, मैंने ब्लड दिया था, तो वो कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चों को थैलेसीमिया है जिनकी वजह से ब्लड चढ़ाना ज़रूरी है हर 15 डेज के बाद। 15 डेज में बच्चों को ब्लड लगता है, तो एक ब्लड की बॉटल की वजह से उनको जो पेन होता है वो एक नॉर्मल इंसान मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल में ये ख्याल है कि अगर हम उसके साथ पूरा दिन स्पेंड करें, वो बेचारे जो पूरे दिन हॉस्पिटल में होते हैं उनको ब्लड चढ़ाया जाता है, वो 5-6 घंटे तो हॉस्पिटल में रहते हैं, ताकि उनको वो एक दिन की खुशी तो मिले जो पूरे दिन वो अपने जितने भी मतलब 15 साल का गम तो भूल जाए, वो एक दिन खुशी देख के। हमने यहाँ पर काशिक बाल थैलेसीमिया हॉस्पिटल में अरेंजमेंट यहाँ पर सेक्शन करवाया, तो हमारे साथ कर्नल साहब और काशिक साहब ने आके हमें बताया कि थैलेसीमिया की बीमारी कैसे आती है, ये कैसे होता है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सेशन ये किया था कि थोड़ा बच्चों के साथ हमने टाइम स्पेंड किया, उनके साथ थोड़े चिट गेम खेले, पोएम सुनी। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी ये थी कि हमने बर्थडे सेलिब्रेट करा, जिस टाइम पे उनकी ब्लड ट्रांजेक्शन हो रही थी, हमने बर्थडे सेलिब्रेट करी उनके साथ, उन सबको हमने केक प्रोवाइड किए, केक उन्होंने खाया, उनके थोड़े उनके फेस पेंटिंग करी हम लोगों ने, और कहते हैं उनको गिफ्ट प्रोवाइड करे, बॉक्सेस वगैरह, लंच बॉक्स और स्टेशनरी वगैरह, इस तरीके से उनके थोड़े मुँह पे स्माइल आ गया। यही है हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन। बहुत खुश था, पूछ रहा था कि अबू ये क्या, मैं बोलता हूँ तेरी शादी है, तो बहुत खुश हुआ। यही अज़्म हमने हमेशा करना है और आगे हम अपनी टीम को बढ़ाकर पूरे कराची में थैलेसीमिया को ख़त्म करना चाहते हैं कि डिजीज़ ना हो, इसकी वजह से किसी की डेथ ना हो। मुझे अपना अज़्म इन बच्चों में दिखाई दिया, इस वजह से मैंने ये अज़्म किया है, तो मैं आगे भी काम करूँगा और इन बच्चों के लिए जितना भी हो सकेगा इनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर पाऊँगा इंशाल्लाह, और ये मेरा अज़्म है। और यही हमने अज़्म नौजवान की ट्रेनिंग से सीखा और यही हमें सिखाया है कि आप अगर कोई भी काम हो चाहे दिल लगाओ से करें तभी आप कामयाब होंगे।